हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल यूपी पूनम ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं हल्दी सरसों वाली खटाई किस तरह से आम की बनाई जाती है उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे पास एक कमेंट आया था मेरी फ्रेंड का, प्रियंका का, उसने मेरी एक वीडियो देखी थी जिसमें मैं कढ़ी बनाई थी और कढ़ी में दही की जगह पर मैं खटाई डाली थी हल्दी सरसों वाली। तो उसने कमेंट करके पूछा था कि किस तरह से तुम हल्दी सरसों वाली खटाई बनाती हो तो बताना। तो मैं तो बनाती नहीं हूँ, खटाई और अचार जो कुछ भी रहता है मेरी सासू माँ बनाती हैं, मेरी मम्मी जी। इस समय तो गांव में सबके घरों में भी एक खटाई अचार सब बन रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घरों में तो घर पर जैसे गांव में आम का पेड़ तो रहता ही है, मेरे घर पर भी है, लेकिन इस समय बहुत आंधी तूफान आ रहा है तो बहुत आम गिर जा रहे हैं, तो उसका लोग खटाई बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से हल्दी सरसों वाली खटाई बनाई जाती है। सबसे पहले आम को ऐसे अच्छी तरह से छील लेना है, मतलब कि इसके छिलके को उतार देना है, और उतारने के बाद इसको पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, और धोलने के बाद इसको काट लेना है, मतलब कि जितने बड़े पीस में आपको चाहिए उतना बड़ा इसको ऐसे काट लेंगे। और काटने के बाद फिर इसमें मसालों को मिलाया जाता है, जैसे कि मसालों में पीला सरसों है, मिर्चा है, हल्दी है, लहसुन है, सभी को अच्छे से पीस कर और इसमें ऐसे अच्छे से मिक्स करना रहता है, और इसमें नमक भी डाला जाता है, इसमें नमक भी डाला गया है, और सभी को अच्छे से ऐसे मिक्स करने के बाद इसको धूप में 1 से 2 दिन सुखाते हैं, मतलब कि ये आधा सूख जाए, एकदम कुरकुरा भी नहीं करना है और एकदम गीला भी नहीं रखना है। और इसको सुखाने के बाद फिर इसको सरसों का तेल रहता है उसमें इसको मिक्स करके रख दिया जाता है, और 1 से 2 दिन तक, जैसे किसी डिब्बे में भर कर रख दिया जाता है, तो 1 से 2 दिन तक इसको धूप में रखा जाता है, और ये सालों तक चलता है, मतलब कि कई सालों तक चलता है। देखिए ये अच्छे से सूख गया है और इसमें ये सरसों का तेल मम्मी जी मिक्स कर रही हैं, और इसको मिक्स करने के बाद ये डिब्बे में ऐसे भर के रख देती हैं और 1 से 2 दिन ऐसे धूप में सुखा लेती हैं। तो इसको आप जैसे कढ़ी बना रही हैं उसमें डाल सकती हैं, इसकी चटनी बना सकती हैं, और अगर पानी पूरी बना रही हैं तो जैसे इमली अगर नहीं है तो इस खटाई का भी आप पानी बना सकती हैं, मतलब कि बहुत काम की चीज़ ये खटाई होती है, जैसे जिसमें खट्टा चीज़ डालना रहता है उसमें इस खटाई को आप डाल सकती हैं, बहुत दिनों तक चलता है, ख़राब होता ही नहीं है, मतलब कई सालों तक चलता है। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तो तब तक के लिए बाय।